इंसान किसी से दुनिया में एक बार मोहब्बत करता है, इंसान किसी से दुनिया में एक बार मोहब्बत करता है, इस दर्द को लेकर जीता है, इस दर्द को लेकर मरता है, इस दर्द को लेकर जीता है, इस दर्द को लेकर मरता है। तालियां तो ज़बरदस्त तरीके से बजनी चाहिए, क्योंकि इसी दर्द को लेकर के हिंदुस्तान में एक प्रेम कहानी पर एक फिल्म बनी जो कालजयी है, द मैग्नम ओपस ऑफ इंडियन सिनेमा, जिसे हम कह सकते हैं आज कोई अनारकली का रोल नहीं कर सकता मधुबाला ने जैसा किया, आज कोई अमरत्व प्रदान नहीं कर सकता सलीम को जो किरदार दिलीप कुमार ने निभाया, और शहंशाह अकबर जो रोल पृथ्वीराज कपूर ने निभाया। लोग तो कल्पना ही ऐसी करते हैं कि अकबर ऐसा था, एज इफ, और बाद में जो फिल्में बनी लोगों ने नकार दिया। प्रेम कहानियां दुनिया भर में फिल्में बनती है और हिंदुस्तान में तो बनती ही रही है। यह कहानी है एक कोर्ट डांसर, एक राज नर्तकी जो अभागी है, जिसने प्रेम किया हिंदुस्तान के होने वाले और इस मोहब्बत को कुचलने का पुरजोर प्रयास किया हिंदुस्तान के शहंशाह बादशाह अकबर ने। कहानी क्या है आप सभी जानते हैं, और बड़ी खुशी की बात है क्योंकि हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि ये बच्चे कैसे जवाब देंगे इन चीजों के बारे में, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रश्नोत्तरी का जो इतिहास रहा है, प्रश्नोत्तरी की तारीख में ये पहला मौका है जब हम एक फिल्म को आधार बनाकर पूरी प्रश्नोत्तरी आज करने जा रहे हैं। हमने कभी भी किसी भी एक फिल्म पर प्रश्नोत्तरी नहीं की, और इसका कारण यह है कि हिंदुस्तान में सिनेमा ने 100 वर्ष हाल ही में 3 मई को पूरे किए हैं, और अवसर है उन लोगों के प्रति सम्मान प्रकट करने का, श्रद्धा अर्पित करने का जिन्होंने अपना सर्वस्व होम दिया सिनेमा के लिए, क्या क्या त्याग नहीं किए, क्या क्या बलिदान नहीं किए। और जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले फिल्म मुगल ए आजम, तालियां जोरों से बजाइए उन सभी लोगों के लिए जो जबरदस्त तरीके से इससे जुड़े रहे थे। अब दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा और उसे हमें हृदय में उतारना है, उससे लर्न करना है। के आसिफ करीम आसिफ, एक दर्जी, एक टेलर मास्टर, दुकान पर नौशा साहब आए, शेरवानी सिलवानी थी, नाप दिया, कहा समय पर मिल जाएगी। उसने कहा हुजूर बिल्कुल मिल जाएगी, लेकिन मेरी एक इल्तिजा है, मेरी एक निवेदन है, सुन लीजिए। उन्होंने कहा क्या, बताइए। आसिफ साहब ने कहा मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूं ड्रामा अनारकली पर, मुगल ए आजम के नाम से आपको संगीत देना होगा। वो मुस्कुराए, ग्राहक थे, सोचा टेलर मार्ट साहब ऐसी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा भैया ठीक है, हाँ बनाओगे जब देखेंगे। चले गए। कुछ समय बाद के आसिफ साहब ने एक फिल्म बनाई हलचल, दिलीप कुमार नरगिस बलराज साहनी को लेकर के, वो प्रसिद्ध हुई और लोग जानने लगे आसिफ साहब के बारे में। और एक बार जब आसिफ साहब नौशाद साहब से मिले तो उन्होंने कहा मैं फिल्म बनाना चाहता हूं, आपका संगीत चाहिए। क्योंकि वो कुछ थोड़ी हस्ती बन गए थे, हैसियत हो गई थी, तो नौशाद साहब ने कहा बिल्कुल, आपकी फिल्म मैंने सुना है, उसके चर्चे सुने हैं। उन्होंने कहा नहीं, वो छोड़िए, आपको याद है वो टेलर मास्टर जिसने आपसे अनुरोध किया था, आपको याद आया? उन्होंने जोर डाला अपनी स्मृति पर और उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ, ओहो अच्छा आप हैं जी, मुझे मुगले आजम बनाना है। और देखिए अंत तो गतवा क्या हुआ, तालियां बजाइए के आसिफ साहब के लिए, सम्मान में। और आसिफ साहब की जब इस कमिटमेंट की बात करते हैं, वो एक ऐसे व्यक्तित्व शख्सियत थी कि किसी भी कलाकार का जो बेस्ट है उसको कैसे निकलवाएं, एक्टिंग के जरिए उस महारत हासिल थी उन्हें। जर्मन के जितने भी जो थे एक्सपर्ट्स, उन्होंने कह दिया कि शीश महल गाना फिल्माया जाएगा, एक कांच में, एक दर्पण में अक्ष आएगा, उसका रिफ्लेक्शन दूसरे में आएगा,
अलग अलग कैसे हो सकता है, खूब प्रयास किया, सैकड़ों बार फेल हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और आर डी माथुर साहब जिन्होंने फोटोग्राफी की थी फिल्म की, कई तरह की तकनीकें लगा करके, कॉमन सेंस लगा करके, तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी, और क्या कालजयी चीज ऐसी आज तक नहीं बनी। ये कमिटमेंट की बात कर रहा हूं मैं। और एक बात आपको और कहूंगा, इससे मैसेज लर्न करना है कि यद्यपि हम लोगों में अनबन हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि हम आपस में बातचीत न भी करें, लेकिन प्रोफेशन के प्रति समर्पण होना चाहिए। और विश्व में मैं नहीं समझता इससे बड़ा उदाहरण कोई होगा। मुझे ऐसा लगता है मुगले आजम के बारे में फिल्म को वापस देख करके और जिन लोगों ने लिखा है आज तक उसको पढ़ करके, कि जिस समय यह फिल्म बन रही थी, नया दौर भी बन रही थी, और उसमें यह तय हुआ था कि दिलीप कुमार के साथ मधुबाला होगी, लेकिन बाहर जाना था आउटडोर शूटिंग के लिए, मना कर दिया जो उनके पिता थे मधुबाला के, उन्होंने कहा जी नहीं बी आर चोपड़ा को, तो उनको हटा दिया गया फिल्म में से। इससे वो नाराज हो गई, झगड़े हो गए आपस में, कोर्ट कचहरी हो गई, और उसके कारण से दिलीप कुमार और मधुबाला में भी मतभेद हो गया, बोलचाल बंद हो गई। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी मुगल-ए-आज़म की, दोनों आते और आपने देखिए कालजयी प्रेम दृश्य, ऐसा लगता है कि वास्तव में दोनों मोहब्बत करते हैं। और जब शॉट ओके हो जाता तो एक इस तरफ मुंह करके और एक उस तरफ मुंह करके चले जाते, आपस में बात नहीं करते थे। इसे कहते हैं प्रोफेशनल कमिटमेंट। तालियां नहीं बजी आपकी, क्या बात। आप देखिए ऐसी भी देखिए, अन्यथा लोग कुछ भी कर दे कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, ये एक कमिटमेंट की बात है जिसका मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं। और उस समय जब कोर्ट में मामला चला तो न्यायालय में ओपन में दिलीप कुमार ने स्वीकारा, हां, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि इनका रोमांस, यह भी एक इशू था कि इनमें रोमांस है, इनके कारण से इनके पिता ने मना किया है, इसलिए साइनिंग अमाउंट नहीं लौटाएंगे, इत्यादि बातें थी। तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में जानकारी दी जाए कोर्ट को कि क्या दोनों में रोमांस है। तो दिलीप कुमार ने खुली अदालत में कहा, मैं मधुबाला से प्यार करता हूं और सदैव प्यार करता रहूंगा, ऑन रिकॉर्ड। तालियां बजाइए। तो वो मोहब्बत थी जो अंदर की मोहब्बत थी, और इसीलिए मैंने आपसे ये कहा था, इंसान किसी से दुनिया में एक बार मोहब्बत करता है, इंसान किसी से दुनिया में एक बार मोहब्बत करता है, इस दर्द को लेकर जीता है, इस दर्द को लेकर मरता है, इस दर्द को लेकर जीता है, इस दर्द को लेकर मरता है। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि स्टूडियो में आज कहाँ के विद्यार्थी पधारे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, उसके डायरेक्टर हैं संजय बियानी साहब, जो आज हमारे यहाँ पर मेहमान के रूप में उपस्थित हैं। हम उनसे भी इस कार्यक्रम में बात करेंगे। तो दाग रहा हूं मैं पहला सवाल, आप सबने देखी है फिल्म मुगल-ए-आज़म, आपको यह बताना है कि फिल्म के आरंभ में शहंशाह अकबर नंगे पांव जा रहा है एक फकीर की सरकार में फरियाद करने कि वो दुआ करे उनके लिए, बादशाह के लिए, कि उन्हें संतान मिले। सवाल यह है, आपको यह बताना है कि वह कौन से फकीर के हुजूर में उपस्थित होने जा रहे थे, बताइए और जीतिए पुरस्कार। और इससे जुड़ा फिर एक सवाल और पूछूंगा आपसे, बताइए आप अगले, आप, हाँ हाँ बोलिए। सलीम चिश्ती। श्योर? श्योर, पक्का? पक्का। शुभ नाम आपका? प्रिया मीना। प्रिया जी, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने प्रिया जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया। हजरत शेख सलीमुद्दीन चिश्ती। और अगर कोई ये बता दे कि इनकी मज़ार कहाँ है, दरगाह कहाँ है, तो एक पुरस्कार और दूंगा। और एक सवाल और, अगर आप में से कोई ये बता दे कि वो वहाँ पर क्यों गए, किन्होंने आदेश दिया कि तुम वहाँ जाओ, वो तुम्हारी दुआ करेगा और तुम्हें बेटा होगा, ये भी बता देंगे, एक पुरस्कार और। इतना लिबरल मैं इस अवसर पर। जी मैम। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, वाह क्या बात, तालियां क्यों नहीं बजा रहे आप लोग। शुभ नाम मैम? अपर्णा मल। जी अपर्णा मल। अपर्णा मलिक मल, अपर्णा मल, बहुत बहुत बधाई, तालियां जोर से फिर बजनी चाहिए।
अब ये बताइए किन के आदेश पर शहंशाह अकबर गए थे फतेहपुर सीकरी पैदल मन्नत मांगने, बेटा मिल जाए? हजरत शेख सलीमुद्दीन चिश्ती के यहाँ। जी जी, वजीद के कहने पे गए थे। वजीद, ये वजीद कौन है? वजीर बोलना चाहती हैं? नहीं, वजीर नहीं, आपने सोचा कि मंत्री है, एडवाइस की होगी कि सर आप जाइए। नो, ऐसा नहीं था। चलिए मैं बता देता हूं आपको। हुआ यों कि सबसे पहले वो अजमेर आए, ख्वाजा साहब की चौखट पर माथा टेका और वहां से ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती के वहां से उनको आदेश हुआ कि हमारे सिलसिले में ही हैं वो, और अभी वो मौजूद हैं, खुद हैं, जिंदा हैं, उस समय थे, तुम वहां जाओ, वो तुम्हारे लिए दुआ करेगा, मन्नत उससे मांगो और अल्लाह ताला तुम्हें बेटा देगा, अता फरमाएगा। तालियां बजा सकते हैं। क्या बात है, थैंक यू। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं, शहंशाह अकबर जा रहे हैं मन्नत मांगने। धूप और गर्मी से तपते हुए इस रेगिस्तान में, अंगारों की मानिंद चलती हुई रेत पर, ये नंगे पांव चलने वाला तन्हा इंसान अकबरे आजम है। इन आंखों की मायूसी कह रही है कि इन्होंने अभी तक औलाद का मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं देखा। औलाद की आरजू में अकबर के लड़खड़ाते हुए ये कदम हजरत शेख सलीमुद्दीन चिश्ती के आस्ताने की तरफ बढ़ रहे हैं, इस उम्मीद पर कि उनकी बाबरकत दुआओं से खुदा ताला अकबर को बेटा अता फरमाएगा। शाही जुलूस के इस लाओ लश्कर में पैदल चलने की मन्नत तन्हा अकबर आजम की है। आखिर मंजिल मकसूद आ पहुंची और उस शहंशाह ने जिसके आगे सारी दुनिया झुकती थी, एक फकीर की सरकार में अपना सर झुका दिया। मांगने की तरह मांग, खुदा अपने बंदों की इल्तिजाएं कभी नहीं ठुकराता। दुआ के लिए हाथ उठा, फकीर तेरा साथ देता। शहंशाहों के शहंशाह, तूने इस हकीर बंदे को अपने खजाने से दुनिया की तमाम नेमतें अता की, जहां पनाह और जिल्लेलाही कहकर पुकारने वाली आवाजें सुनाई और बाप कहकर पुकारने वाली आवाज भी सुनाते। अगला सवाल, आप सभी जानते हैं कि बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम रखा सलीम, लेकिन फिल्म में आपने देखा होगा कि वह उसे सदैव शेखू के नाम से पुकारते थे, बुलाते थे, सलीम के नाम से नहीं, क्यों? बड़ा ही सरल सवाल, थोड़ा कोरिलेट कीजिए पहले से दूसरे से, अभी जो सवाल पूछा थोड़ा कोरिलेट, हाथ खड़ा कीजिए फिर पूछने पर बोलिए। हाँ आप। क्योंकि सर वो उन्हीं की बदौलत मिलते हैं, शेख सलीमुद्दीन चिश्ती की बदौलत, इस वजह से। तो आप थोड़े बात करिए, सलीम नाम क्यों नहीं पुकारते थे? क्योंकि वो उनकी बदौलत से प्राप्त होते हैं। किनकी बदौलत से? शेख सलीमुद्दीन चिश्ती की। तो उससे क्या हुआ सर, उनका नाम लेना? तो नाम लेना नहीं चाहते थे अदब के कारण। वाह क्या बात, शुभ नाम? पूनम जहांगीर। पूनम जी क्या बात है, पूनम जी बिल्कुल, बस पूनम जी सटीक रूप से, चूंकि उनके कारण हुआ, उन्होंने दुआएं की थी हजरत सलीमुद्दीन चिश्ती ने, तो उनको ये हुक्म हुआ था नाम सलीम रखना, नाम सलीम रखा और उनको अदब, उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उन्होंने कभी भी सलीम नहीं, सदैव क्या कहा? शेखू। बजा सकते हैं तालियां इनके लिए। आ एक जानकारी आपको और दे दूं, ऐसा कहते हैं कि इधर सलीम का जन्म हुआ और उधर हजरत शेख
سلیم الدین چشتی اللہ کو پیارے ہو گئے اور بعد میں اکبر نے ان کی مزار بنوائی وہاں پر درگاہ بنوائی یہ آپ سبھی جانتے ہیں تالیاں بجا کر استقبال کیجئے ایسے مہان سنت کا اب ہم آپ کو فلم مغل اعظم کا ایک بہت چرچت درشیہ ایک سین سے روبرو کروا رہے ہیں آپ اسے دیکھیں آپ کو یہ بتانا ہے کہ بت کا اناورن جو کیا جا رہا ہے شہزادے سلیم دوارا وہ اناورت ایک تیر کے دوارا کر رہے ہیں یہ تیر کے دوارا یہ کیے جانے کا آئیڈیا یوجنا کس کی تھی فلم میں یہ آپ کو بتانا ہے پہلے دیکھیں آپ سین سبحان اللہ معلوم ہوتا ہے جیسے کسی فرشتے نے آسمان سے اتر کر سنگ مرمر میں پناہ لے لی ہے کنیز فرشتہ نہیں انسان آپ کو یہ بتانا ہے کہ تیر چلانے کی یوجنا کس کی تھی پہلا سوال صرف اتنا ہی اتر دینا ہے کس کی تھی دوسرا کیوں تو کیوں کو آپ بتائیے گا مت کیونکہ نہیں تو ایک پرسکار کی ہتیا ہو جائے گی میں دو پرسکار دینا چاہتا ہوں بولیے آپ جی بہار کی بہار شور یس سر شبھ نام پرینکا پوار پرینکا جی بہت بہت بدھائی آپ کو بہار کی یہ یوجنا تھی یعنی شڑینتر تھا کیوں واہ کرشن جی کیا بات ہے کیونکہ وہ پہلی رات دیکھ چکی تھی کہ اس نے وہ دیکھ لیا ہے مورتی دیکھ لی ہے کس نے دیکھ لی ہے سلیم جی تو اس سے کیا ہوا دیکھ لی وہ دیکھنا چاہتی تھی کیونکہ اس کے من میں تھا کہ ہاں وہ یہ مورتی نہیں دیکھے کیونکہ وہ بہت زیادہ سندر تھی تو کیا ہو گیا ہاں ہاں سنکوچ مت کریے کیا ہو گیا سندر تھی کیونکہ وہ اس سے زیادہ سندر تھی وہ اپنے آپ سے کمپیئر کرنا چاہتی تھی صرف اتنی سی بات تھی یا اس کی کچھ یوجنائیں تھی اس کے بیچ میں روڑا بن سکتی تھی کیونکہ اس کو پتا تھا وہ انسان ہے نہیں انسان تو ہے ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا کافی کچھ چلیے شبھ نام آپ کا ساکشی ساکشی کیونکہ بھگوان کرشن ہے تو وہ انعام دینا ہوگا لیکن میں ایک پرسکار اور دے دوں گا کارن کیا تھا ایک چھوٹا سا آپ کو کارن بتانا ہے اور جیتنا ہے پرسکار صرف کارن بتائیے آپ کیونکہ باہر سلیم کو پسند کرتی تھی ہاں تو ہاں 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 نہیں ایسے نہیں ایسے سنیے تو باہر سلیم کو پانا چاہتی تھی اس لیے تو اگر وہ تیر کا نشانہ لگاتا تو وہ اس سے مر سکتی تھی یعنی وہ چاہتی تھی کہ وہ مر جائے اور نہیں مرتی تو نہیں مرتی تو بولنے دیجیے ہاں ہاں تو وہ ان کے بیچ میں آ سکتی تھی کیونکہ سلیم آ سکتی تھی وہ جو اس کا ادیشیہ تھا شبھ نام آپ کا وشاکھا جی کیا بات ہے وشاکھا جی میں نے آپ کو بار بار ٹکڑوں میں یوں پوچھا کہ اتر دیں تو سمگر روپ سے دیجیے ایک بات تھی کیوں تو کیوں کا مطلب وہ ہندوستان کی ملکہ بننا چاہتی تھی اور اسے لگا کہ انہیں پریم ہو گیا ہے اور اب اگر شادی اس سے ہوئی تو میں ملکہ نہیں بن پاؤں گی دیئر فور میں نے ہنٹ دیا تھا یوجنا کے ساتھ شڑینتر ٹھیک ہے اب اتر پورا دیجئے اور پورے انک لیجئے ایگزامینیشن میں تالیاں بجائیے وشاکھا جی کے لیے آپ سبھی لوگ بستی رہنی چاہیے جب تک میں آ کر کے اور سوال آپ سے اور اب جو آپ کو روبرو کراتے ہیں جو وشاکھا جی نے کہا آپ جانچیے کتنی ستیتا ہے ان کے کتھن میں
संतराश का दावा यकीनन सही था। बेशक इस बेपनाह हुस्न की ताब पत्थर ही ला सकता है, बुतों की खुदाई तस्लीम करने को जी चाहता है। साहिब आलम पर बुत परस्ती का इल्जाम लग जाएगा, अगर वफा परस्ती की दाद भी मिल जाएगी। मुजस्मा तैयार नहीं हो सका, कल सुबह फिर तुम्हें मुजस्मे की जगह खड़े रहना होगा। साहिब आलम ने मुझे देख लिया और तुम्हारे फन की दाद दी। इस दाद में छुपी हुई एक मोहब्बत भी है। मोहब्बत किससे? तुमसे। साहिब आलम पर बुत परस्ती का इल्जाम लग जाएगा, इसी से उठाता हूं मैं अगला सवाल। जैसा कि आप जानते हैं, मुगले आजम धर्म निरपेक्षता की और उससे स्पंदित सर्वकालिक रचना है, फिल्म है। इस फिल्म में जन्माष्टमी उत्सव मनाया गया महल में जोधाबाई द्वारा। बड़ी समस्या थी के आसिफ के सामने कि किस प्रकार से बादशाह अकबर सम्मान भी प्रकट करें, भगवान कृष्ण के प्रति नमन भी करें और उन पर बुत परस्ती का आक्षेप या इल्जाम भी न लगे। मेरा सवाल यह है, आप सभी ने उस फिल्म को देखा है, बताइए किस चतुराई से दोनों बातें उन्होंने कर ली, सम्मान भी प्रकट बादशाह द्वारा और बुत परस्ती का इल्जाम भी नहीं लगा, बताइए और जीतिए पुरस्कार। बिल्कुल, कौन है? जी, झूला झुलाया था। झूला झुलाया था किसने? सलीम। किसने? मैं बात कर रहा हूं, अकबर की बात है और जोधाबाई की बात है, तो किसने झुलाया? सलीम, अकबर। अकबर, हाँ यही तो कह रहा हूँ, आप घबराइए मत। तालियां बजाइए। शुभ नाम? नरगिस बानो। नरगिस बानो के लिए तालियां जोरों से बजनी चाहिए, जोरदार तरीके से। देखिए, मैं कई बार ये निवेदन करता हूं, प्रश्न को सटीक रूप से सुने और ताकि आप जो उत्तर देंगे तो उस पर मुलम्मा यानी जो पैकिंग जो होनी चाहिए वो प्रश्न की होनी चाहिए, ताकि बिल्कुल दिल और दिमाग में उतरे परीक्षक के और वो पूर्ण मार्क्स आपको दे। कई लिखते लिखते थोड़ा सा विचलन हो जाने से कमी हो जाती है मार्क्स में। तो बिल्कुल सही कहा आपने, वो क्या करती हैं अब जोधाबाई ने क्या किया, अकबर ने क्या किया, यानी के आसिफ ने क्या करवाया, क्या निर्देश किया, कमाल, देखिए स्वयं आप। अब हम आपको रूबरू करवाते हैं फिल्म मुगल ए आजम के एक दृश्य से। आपको देख करके ये बताना है कि इसके पहले कौन से गीत का समापन हुआ था, कौन सा गाना था, यानी गाने के बाद का दृश्य है। तो याददाश्त पर डालिए थोड़ा सा जोर।
इस दृश्य के बाद, यानी पहले, ये तो बाद का दृश्य है, पहले गीत कौन सा था जिससे खुश होकर के इनाम और इकराम बादशाह अकबर ने और शहजादे सलीम ने दिए? छोटा सा सवाल, जी आप। मोए परंगे पर मोए पनगट पे नंदलाल छेड़ गए और नंदलाल छेड़ गए। श्योर? श्योर। शुभ नाम? सताक्षी। सताक्षी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही उत्तर आपका। अब ये गाना सुनवाऊं, उससे पहले एक सवाल और। ब्लैक एंड व्हाइट मुगले आजम प्रदर्शित हुई तो इस गीत के गीतकार का नाम दिया गया शकील बदायूनी। लंबे समय तक एक शख्स ने, एक शख्सियत ने, एक व्यक्ति ने अपने दादाजी के लिए एक मुकदमा सा लड़ा और उसने कहा कि इसके मूल रचनाकार शकील बदायूनी नहीं, मेरे दादाजी हैं। और अंततोगत्वा इस क्लेम को माना गया और जब रंगीन मुगले आजम प्रदर्शित हुई तो टाइटल्स में उन्हें रिकग्नाइज किया गया, इस बात को स्वीकारा गया, इस बात को लिखा गया। तो आपको बताना है मूल गीतकार का नाम और जीतना है पुरस्कार। जी नौशाद जी। नहीं, नौशाद नहीं, नौशाद तो उन्होंने कह दिया। जी मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी जी नहीं। ये मैं ही बता दूं, मुझे लगता है उधर पहले बड़े गुलाम अली खान। बड़े गुलाम अली खान साहब, उन्होंने लिखे थे, दो गीत गाए थे, उन्होंने दो गीत इस फिल्म में गाए थे। रस कवि रघुनाथ ब्रह्म भट्ट, तालियां बजाइए इस जानकारी के लिए आप। और 45 वर्षों की लड़ाई लड़ी पोते ने दादा के लिए और उनको रिकग्नाइज किया गया और इस गीत को मूल रूप से सबसे पहले यहां पर मुगले आजम में तो गाया था लता मंगेशकर ने, पर मूल रूप से 1930 में गाया था इस गीत को उस समय की विख्यात गायिका इंदु बाला ने। जब इस गाने को फिल्माया जा रहा था, मधुबाला कहते हैं उसका कोई प्रतिमान नहीं, उनकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं, उन्हें वीनस कहा जाता है इत्यादि इत्यादि उन्हें विशेषण दिए जाते हैं, उससे नवाजा जाता है। मेरा सवाल यह है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शख्सियत जो बाद में हुई उस समय नहीं, और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वह पाकिस्तानी नागरिक थे बाद में, लेकिन उस समय वह भारतीय थे, वह रोजाना जब इस गाने को फिल्माया जा रहा था कई दिनों तक, तो वह शख्सियत वर्ली से मोहन स्टूडियो बस में बैठकर निरंतर आती थी और जमी रहती थी। और जब लोग उनसे यह पूछते थे कि आप रोजाना क्यों पधारते हैं, तो वो कहते इसलिए कि शास्त्रीय संगीत के प्रति मेरी प्रगाढ़ रुचि है इस कारण से। लेकिन कारण था कुछ और, तो पहले तो बताइए फिर मैं कारण से भी रूबरू करा दूंगा। आपको बताना है उस शख्सियत का नाम और जीतना है पुरस्कार। फिलहाल मैं पूछता हूं सवाल आपसे, बोलिए। बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो, ओए होए होए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कोई और। अब इतना क्लू मिल गया आपको, अब देखिए कोई नहीं बचा है। मैं उधर से, वो उत्तर सही आने वाला है लेकिन किसी ने बता दिया। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, इन्होंने बेनजीर कह दिया बस। हाँ हाँ, ऐसे मत, बिना पूछे मत बोलिए, मेहरबानी कीजिए, मैं डर गया लगा शहंशाह अकबर, ओ बड़ा डर लगता है, तो इसलिए अब तो बड़ा ही सरल हो गया है इसका उत्तर देना। ठीक है, बोलिए, बोलेंगे आप? अरे बेनजीर भुट्टो तो ये कह ही रही हैं,
अरे मधुबाला अप्रतिम सौंदर्य की साम्राज्ञी, उस साम्राज्ञी के सौंदर्य का मैंने कहा कारण बाद में बताऊंगा, आप मैंने बता दिया, उससे प्रेरित होकर के वो व्यक्तित्व आता था। और जब पूछा गया तो कहा शास्त्रीय संगीत का दीवाना हूं इसलिए आता हूं, लेकिन कारण ये था। अब मैंने कहा बताऊंगा, बता दिया वो व्यक्तित्व कौन था। बेनजीर बोल दिया, अरे अड़ोस पड़ोस की बात है, आगे पीछे की बात है, अरे घर की ही बात है। हाँ, तो अब तो क्या बचा, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बचा। खड़ी होइए आप। दिलीप कुमार अरे घर की ही बात है। खड़ी होइए आप। इनके पापा पिताजी। नाम बताइए। फिरोज गिरो ऐसे है? फिरोज गिरो। फिरोज क्या? अरे देखिए, आपने उनके पापा कह दिया। अब ये सोचिए कि वो बेटी थी भुट्टो, तो पापा भी भुट्टो होते तो आप ये कहते थे भुट्टो साहब, बड़ा सरल था। लेकिन आपने नहीं कहा, कोई बात नहीं, नहीं कहा, फिर भी मैं पुरस्कार दूंगा क्योंकि उनके पापा कहा। तो बेटी का सबसे प्यार कौन करता है? पापा। तुम नाम? निशा। निशा जी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और ईशा जी वैसे आपने भी इधर उधर से सुना है, कोई बात नहीं, यू आर लकी। तालियां बजाइए। जुल्फिकार अली भुट्टो। और देखिए हम जश्न मना रहे हैं, और मैं सीधा इस बात को छोड़ भी सकता था, लेकिन थोड़ी चूहलबाजी होनी चाहिए, थोड़ी बात होनी चाहिए, थोड़ा लर्निंग भी होना चाहिए, थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी होना चाहिए। और कॉमन सेंस की बात आई, आप कह सकते थे उनके पापा भुट्टो साहब, क्या कर लेता मैं, और मैंने कर अदरवाइज भी क्या लिया। तो आप मेरे लिए तालियां मत बजाइए, अब आपको रूबरू कराता हूं उस कालजयी गीत से, उसके लिए तालियां बजाइए पहले आप। अब हम आपको एक दृश्य दिखा रहे हैं, आपको ये बताना है, पहले देख ले और फिर पूछूंगा सवाल। कनीज हाजिर। कनीज को खंजर की नाफरमानी पर हैरत और अपनी बदनसीब जिंदगी से शिकायत। साहिब आलम, गुस्ताख खंजर को सुरखरू होने का एक मौका और दीजिए। कनीज के सीने में काफी खून है। चमक के सीने में क्या होता है? रात की खामोश दास्ताने और कुछ राज। और यही सबब है कि सुबह होते ही हर शमा हमेशा के लिए खामोश कर दी जाती है। साहिब आलम, तुमने भी एक राज जानने की कोशिश की है, तुम्हें भी खामोश करने की यही सूरत होगी। मेरा सवाल आपको ये बताना है कि बहार ने कौन सा राज जानने की कोशिश की थी, बताएं। जीते पुरस्कार। जी, कि वो दोनों प्रेम करते थे, सलीम और मधुबाला, अनारकली प्यार करते थे। यस सर। तो ये तो जानकारी उसे पहले ही थी, ये तो अभी जो सवाल हमने पूछे
और उस सवाल में बुद्ध और उसको अनावरण किया गया, योजना क्या थी, षड्यंत्र क्या था, थोड़ा सा विस्तार से, थोड़ा सा एग्जैक्टली राज क्या था, क्या राज जान लिया, इसके इर्द गिर्द ही आसपास ही है, कहीं दूर नहीं है, कहीं दूर नहीं, बताएं आप। उसने मधुबाला और उसको देख लिया था एकांत में जब वो लोग रोमांस कर रहे थे। पहले हंस लीजिए आप, मतलब कुछ लोग रुक के हंस रहे हैं कुछ। देखिए आपका शुभ नाम? संतोष मीणा। संतोष मीणा। संतोष मीणा, देखिए संतोष जी ने बड़े संतोषप्रद तरीके से जो सही उत्तर है उसका बखान किया, इनको ना कोई लेना ना कोई देना, और उस पर आप हंस रहे हैं ठाकुर। अगर मैं यही निवेदन आपसे करना चाहता हूं, किसी प्रश्न का जब उत्तर पूछा जाए तो उसकी जो बात है, उसकी जो मूल भावना है, उसको कहना चाहिए, और इन द प्रोसेस एज ए बाय प्रोडक्ट मुस्कान ऑब्लिक हंसी छूटती है, छूटने दीजिए, एक बार और लगाइए ठाका। और संतोष जी के लिए शुभकामनाएं। शुभ नाम पूरा क्या बताया? संतोष जी ना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, तालियां जोरों से बजाइए। यानी उस समय तक उन्हें शक था जब अनावृत की गई थी मूर्ति को, और उन्होंने सोचा दूरदृष्टि कि गड़बड़ हो सकती है, और यहां पर उन्होंने महल के अंदर अनार को खिलते हुए देख लिया था उन्होंने, लेकिन पाकीज की देखिए आप, शालीनता देखिए, आपके आसिफ के जहन में जाइए, पंख, और एक पंख के द्वारा कितनी कोमलता, सॉफ्टनेस, टेंडरनेस, ये जरूरत है आज के युग की। आज क्या हो रहा है उस संदर्भ में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, तो बधाई की पात्र हैं संतोष जी, और आइए अब आपको लिए चलते हैं, आपको हृदय कराते हैं। इतनी मशक्कत की आपने, इतना दिमाग पर जोर डाला, और शायद फिल्मी ऐसी थी दिल पर भी। तो आइए प्रस्तुति है आपकी सहेलियों द्वारा, उनके सम्मान में बजाइए तालियां और देखिए उनका नृत्य जबरदस्त तरीके से।